ये हमारी प्यारी सी गुड़िया भूमि विपिन भाई से पहले भूमि उठ चुकी है। हाँ दोस्तों पैरों से करते हैं वो देखो खेत में। रात की बज चुकी है 7 और अभी मैं आई हूँ मोमोज लेने, क्योंकि आज तक मैंने अपने मार्केट के मोमोज सच में कभी टेस्ट नहीं करे। उधर भी तो करे थे लेकिन यहाँ के कभी टेस्ट नहीं करे। तो मैं अभी आई हूँ फर्स्ट टाइम इस वाली शॉप पे मोमोज लाने, वो भी मेरे भाई की रिक्वेस्ट पे। इसने बोला काफ़ी टेस्टी बनते होंगे लेकिन मैं पहली बार टेस्ट करूँगी यहाँ से। और अंधेरा तो आपको दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा हो गया, बट राखी लेने आए थे तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया हमने, लेकिन आज आराम से घूम के जाएंगे। मैंने इसे कहा कि SBI तक एक चक्कर लगा के आते हैं। तो अभी बैंक तो काफ़ी आ गई है बट हम अभी यहाँ पे सामान लेंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे। थोड़ा सा क्या ही जा रहा आज घूमने में हमारा। तो रात में ये है कुछ हमारे चोपटा मार्केट का नज़ारा, बट भीड़ तो बहुत ज़्यादा है यार, लेकिन लाइट नहीं है। भीड़ तो है पर लाइट नहीं है, क्योंकि इतनी रात को भी। खैर हमारा मार्केट है तो काफ़ी सुंदर यार। तो आज पहली बार मैं घूम रही हूँ इतनी देर तक, वो भी अपने भाई के साथ। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्या हुआ तो ले ही भाई। तो लेकिन सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है अपने भाई के साथ घूम के, क्योंकि अकेले मैंने कहाँ ही जाना था। वो आ ही रहा है पीछे से, लेकिन देखते हैं वो मेरे साथ आएगा या नहीं। अरे नहीं आ रहा, वो अपने दोस्तों के साथ आ रहा। तो चलते हैं हम घर। दोस्तों गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया ही होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक नई ब्लॉग में। सुबह की बज रही है अभी 5:12 हो चुके हैं दोस्तों। तो मैं आज सुबह उठ गई थी 4 बजे और अभी आप देख रहे होंगे कि मैं नहा धो के तैयार तो नहीं हुई हूँ, लेकिन नहा धो चुकी हूँ। तो आज जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, थंबनेल देख के तो क्या ही बोलना, लेकिन सबको पता ही होगा कि आज क्या है। दोस्तों आज है भाई बहनों का प्यारा सा त्यौहार रक्षाबंधन, और मैं तो नहा गई हूँ लेकिन मेरे भ्राताश्री अभी तक सोए हैं यहाँ पे। देखो उठने का नाम नहीं ले रहे भाई ये, इनको कितना बोलूँ, क्योंकि आज बस 7 बजे तक होगा। तो इसलिए हम फटाफट नहा धो गए हैं, लेकिन ये उठ ही नहीं रहा। मम्मी इसको बोल यार। तो दोस्तों अभी मैं नहा धो के तो तैयार हो ही चुकी हूँ, और हमारे भ्राताश्री भी उठ गए हैं और ये भी तैयार हो चुके हैं। तो भाई कैसे लग रहा तुझे आज? अच्छा लगा। नींद तो नहीं खुली तेरी, आंखें बता रही हैं। तो आज है रक्षाबंधन। तो दोस्तों पहले हम दोनों भाई बहनों की तरफ से आपको तथा आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज है भाई बहन का दिन, जिसमें ये भाई बहन प्यार से रहते हैं। भाई कितने पैसे दोगे? देखो दोस्तों मुझे उतने की मिली, अभी मेरे पास बजट नहीं था, लेकिन मेरे भाई, खैर भाई भी बेरोजगार ही है, लेकिन देखते हैं कितने देता है ये। भाई कितने देगा मुझे? 10 रुपए, मतलब 20 के आगे, कम से कम 30 रुपए तो मिलने चाहिए ना। तो दोस्तों ये था हमारा मजाक। तो अब हम फटाफट पूजा कर लेते, क्योंकि आज 7 बजे तक ही रहेगा। तो फटाफट की आरती उतारी जाएगी, और हिंदो ये मेरी गालियां खाता है आज नहीं। तो हम अभी देव की पूजा करेंगे। ओम जय जगदीश हरे। भाई मैं तो भगवान से आज यही दुआ मांगूंगी कि तू जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो जाए अपनी लाइफ में, और तुझे दुनिया की सारी खुशी मिले। दोस्तों मैंने अपने भाई पे राखी पहनाई, तो अभी मैं जा रही हूँ आर्यन औरों के घर, क्योंकि वो भी मेरा भाई है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि फैमिली में, मतलब जितने भी भाई है मेरे, सब पे पहनाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ छुटको सा आर्यन पे, मुझे लग रहा है वो तो अभी उठा भी नहीं होगा, क्योंकि अभी बज रही है 6। तो चलते हैं, फिर देखते हैं, उसके बाद सीधे चलेंगे हम विपिन भैया और उनके घर ले चलेंगे, उसके बाद सीधे घर आएंगे। तो चलो भाई चलते हैं। चलते हैं।
ये देखो आर्यन तो अभी उठा भी नहीं, आर्यन की नींद ही नहीं खुली अभी, नींद ही नहीं खुली है इसकी। बताल मुख पे से उतार बनो ना कह दे वो आप फोड़ के करो अस्सी। सबसे पहले कान ही साफ कर रहा है आर्यन। तो अब मां तो सुनो को पान अजब दही सारा भर दे दे। तो मैंने बोला था आर्यन अभी नहीं उठा होगा, लेकिन उठ तो गया है, लेकिन मुंह धोने अब जा रहा है क्योंकि वो भी अभी अभी उठ रहा है, अभी छोटे छोटे है वो, अभी बच्चा, उसकी नींद ही नहीं खुल रही, तो मुंह धोने गया है। उसके बाद मैं उस छुटकू को पहनाऊंगी राखी। ये देखो बिबिन भैया अभी तो उठे ही नहीं, अब उठ रहे हैं। ये देखो गुस्सा हो चुका है सुबह सुबह। बिबिन भाई से पहले भूमि उठ चुकी है, अभी उठ रहे, अभी भी नहीं उठना चाहते थे बिबिन भाई। ये हमारी प्यारी सी गुड़िया भूमि, भूमि हेलो का हेलो का हेलो। वो हमें नहीं पहचान रही अभी क्योंकि हम पहली बार आए हैं यहाँ पे, है नहीं? हेलो का हेलो, नहीं पहचान रही ना? हेलो क्या मांगू भैया आपको? भैया आप तो एक तो आप सदा खुश रहिए, दूसरी हमें जल्दी जल्दी भाभी से दीदार करवाइए। और अब आ रहे अभी 7 बज चुके हैं, तो आज इसलिए हम जल्दी बांध रहे हैं क्योंकि 7 बजे तक राखी, क्या बोल रहे थे भैया, 7 बजे तक होगी ना आज राखी, तो हम इसलिए भैया पे राखी बांधने सुबह सुबह आ गए। और भैया की नींद खराब तो नहीं हुई भैया? तो मैं आई हूँ अभी बिपिन भैया और के घर पे, मेरे ताऊ जी के लड़के हैं ये, तो मैं हर साल आती हूँ और आज भी मैंने सुबह सुबह आके भैया की नींद ही खराब कर दी। तो पहले तो आप सभी को हम दोनों भाई बहनों की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन, आप सभी को रक्षाबंधन हाँ। की हार्दिक शुभकामनाएं भैया। आप जाओगे दुकान है नी? और यहाँ पे हो रही हमारी प्यारी सी गुड़िया भूमि, तैयार तो हो ही चुकी है। ओ भूमि छोटी और प्यारी सी गुड़िया, और ना भैया हाय बॉल, हेलो दोस्तों, ऐसे कर। वो भी अभी सो के उठ गया इसलिए वो भी नींद में है। मुंह नहीं धोया इसने दोस्तों, इसीलिए ये देखो यहाँ यहाँ मुख का बात धोते हैं, अभी कुछ नहीं बोलेगी हाँ, अगर शाम को मिलते तो तब आपको पता चलता नव्या कितना बोलती है नी? माँ चल मुड़ी। दोस्तों तो अभी मैं और मेरी मम्मी आई है चोपता मार्केट से, थोड़ा सा इधर पे मतलब हमारा जो ये खेत है इधर ये नीचे पे, तो मम्मी आपने धान देखने आई थी कि धान हुए नहीं, ये देखो पूरी आजकल धान की खेती चल रही है। तो वैसे तो हमारा प्लान था कि हम जाएंगे वहाँ मंदिर में क्योंकि वहाँ हो रहा है आज कीर्तन, बट हमने थोड़ा सा प्लान चेंज करा है। वैसे मम्मी का मन तो था मतलब कीर्तन में जाने का क्योंकि सुबह से ही लगी थी, तो मैंने कहा चलते हैं, लेकिन पता नहीं लास्ट मोमेंट पे मेरा मन नहीं कर रहा, मैंने कहा चलो आगे तक घूमने चलते हैं। और वैसे चोपता में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है, यहाँ पे पहले ये शॉप नहीं थी लेकिन अब यहाँ पे ये शॉप भी हो चुकी है, ऊपर जो खेत के बीचों बीच घर थे पहले वो भी नहीं थे, वो भी आजकल ही बनी, तो हमारा चोपता काफ़ी विकसित हो चुका है ना मम्मी? तुम कब बना रही अपने इस डांडा वाले खेत में घर? आज नहीं बनाएंगे। कब बनाओगे? अब जब यहाँ गांव बसेगा, खैर गांव तो बस ही चुका है, देखो आगे से भी बाद में बड़ोला। कैसे लग रहा है तुझे यहाँ आके घूमने, मतलब अच्छा लग रहा है घूम के यहाँ? अच्छा लग रहा है।
ये देखो मम्मी का भी खेत है, ठीक है, पर मम्मी को अपनी खेत से कोई वो नहीं है, संतुष्ट नहीं है। मम्मी की नजर दूसरों के खेत पे है। मम्मी क्यों ऐसा क्यों? मम्मी खुश हो गई, हमारा खेत उधर है वो रास्ते पे ही जहाँ मम्मी ने वो कर ली, और वो है सामने, ऊपर है कोंडा गांव और ये सामने पे है क्या बोलते इसको, कोल्लू बैंड और मार्केट, ये रहा हमारा। और हम मार्केट से इतने आगे आ चुके हैं और यहाँ ये हमारे गांव वालों के खेत, हमारे ही नहीं, यहाँ सब मतलब इतने जितने ही आस पास के गाँव हैं सबके खेत यही हैं। और आजकल इनमें हो रखा है धान और झंगोरा, धान की लवाई मनाई होती है, ऐसे 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 करते हैं। हाँ दोस्तों पैरों से करते हैं वो, देखो खेतों में कुछ कुछ के खेतों का निकल चुका है और खेतों में ही इकट्ठा करते हैं, तो उसके बाद 3-4 दिन बाद उसकी मंडाई होती है। खैर मैं वो आपको दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं तो कल ही जाने वाली हूँ, और हमारी क्या मंडाई होगी अभी नहीं होगी, हाँ इतवार का दिन, और तब तक मैं चली जाऊँगी तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन जो भी है बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ आगे आके, वैसे ही ठंडी ठंडी हवा है, हमने भुखड़ा।